भागलपुर जिले में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर लगाए जा रहे टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय स्थित DRDA परिसर से 21 टीकाकरण रथ सह जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आज रवाना किए जा रहे टीकाकरण सह जागरूकता रथ गांव-गांव जाकर न केवल आम नागरिकों को टीकाकरण हेतु प्रेरित करेगा बल्कि निर्धारित आयु वर्ग के व्यक्तियों को ऑन द स्पॉट वैक्सीन भी दिया जाएगा। DM ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टीकाकरण वायरस जनित संक्रमण से बचाव हेतु सबसे विश्वसनीय माध्यम है, अतः निर्धारित आयु वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को टीका अवश्य ही लेना चाहिए। साथ ही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि टीकाकरण को लेकर 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोग काफी उत्साहित है, जबकि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं, जिसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा दूर किया जा रहा है। DM ने लोगों से टीका का दोनों डोज समय पूरा होने पर लगवाने की बात कही और जिलेवासी टीकाकरण को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, यह पूरी तरह सुरक्षित है। और जिलाधिकारी ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों की मुख्य सचिव महोदय के साथ तो जो डिटेल गाइडलाइन आएगा वो आप लोगों को शेयर कर देंगे। क्या बढ़ाई जाएगी सर? वो गाइडलाइन आ जाएगा तो वो मीडिया में हम लोग सब लोगों को शेयर कर देंगे। सबौर प्रखंड के नमलखा गांव में विधायक के नामनगर के द्वारा इंजेक्शन किया गया था, लेकिन वहाँ ताला बंद पाया गया और डॉक्टर्स भी नर्स भी मौजूद नहीं थे सर। देखिए, दो तीन चीज़ है। एक तो चीज़, एक जो बात कैबिनेट सेक्रेटरीट से चिट्ठी भी निकली है, जो भी माननीय हमारे जनप्रतिनिधि गण है, क्योंकि लॉकडाउन का नियम सब पे लागू है, तो उस चिट्ठी में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई समीक्षा करनी है तो वर्चुअल तरीके से करें। और APSC की जहाँ तक बात है तो APSC को अभी कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में बंद करके वहाँ जो भी मेडिकल स्टाफ थे, डॉक्टर, पारा मेडिकल कर्मी, सबको DCSC एवं अन्य कोविड ट्रीटमेंट से संबंधित अस्पताल में वैक्सीनेशन में उपयोग किया गया था। अभी एक चिट्ठी आई है कि अगर स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध हैं, अगर केस लोड घटा है, DCSC में मरीजों की संख्या कम है, वैक्सीनेशन में ANM की ज़रूरत नहीं है, तो APSC को शुरू किया जा सकता है। तो हम लोग उस विषय को देख रहे हैं और आवश्यकता अनुसार APSC को हम लोग शुरू भी करेंगे।